नमस्कार, मैं आकांक्षा तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ वायरल वर्सेस फैक्ट के एंटरटेनमेंट डेस्क पर। इस डेस्क में हम एंटरटेनमेंट से जुड़ी सारी खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। खैर, अभी हम आपको लेकर चलते हैं बिग बॉस 14 के घर में। इस घर में आखिर चल क्या रहा है, उसकी लेटेस्ट अपडेट हम आपको बताएंगे, जिसके लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी एक खास रिपोर्ट। बिग बॉस हाउस में जान कुमार, शहजाद देओल और अभिनव शुक्ला पर एलिमिनेशन की तलवार लटक रही है। शो में शहजाद रहना क्यों डिजर्व करते हैं, इस पर वो अपनी बात रखते हुए नजर आए। इसके अलावा घरवालों ने शो से बाहर जाने के लिए नॉमिनेट हुए सदस्यों पर अपने अपने विचार रखे। जान कुमार, शहजाद देओल और अभिनव शुक्ला को बराबर बराबर 4 वोट्स घरवालों ने दिए। इसके बाद सलमान खान ने सीनियर से कहा कि वो उस प्रतियोगी का नाम ले जो घर में रहना डिजर्व नहीं करता है। और हीना खान ने कहा कि शहजाद देओल को घर से बाहर हो जाना चाहिए। इसके बाद बारी आई सिद्धार्थ की, तो सिद्धार्थ ने कहा कि हर खिलाड़ी घर में रहना डिजर्व करता है, लेकिन किसी न किसी एक को तो बाहर जाना ही होगा। और उन्होंने अपने हिसाब से नाम बताया कि शहजाद देओल को घर से निकल जाना चाहिए। इसके बाद आगे चलते चलते सीनियर्स ने एक अनोखा टास्क किया, जिसमें 2 टीवी स्क्रीन्स रखी गई। उस स्क्रीन पे 2-2 फ्रेशर्स यानी कि नए सेलिब्रिटीज जो होंगे वो नजर आएंगे, और जो घर में रहना डिजर्व नहीं करता है उसकी स्क्रीन पर पर्दा गिरा दिया जाएगा। सबसे पहले बारी आई एजाज खान और रूबिका की टीवी स्क्रीन पर, तो सीनियर्स ने आपसी सहमति से स्क्रीन का पर्दा गिरा दिया, और जिसका पर्दा गिराया वो थे एजाज खान। फिर बारी आई पवित्रा पुनिया और उनके साथ जैस्मिन भसीन की, तो सीनियर्स ने जैस्मिन का पर्दा नीचे गिरा दिया। इसके अलावा अभिनव शुक्ला और राहुल वैद्य सीनियर्स के सामने स्क्रीन पर नजर आए, और राहुल वैद्य की स्क्रीन पर सीनियर्स ने पर्दा गिरा दिया। खैर, ये थी बिग बॉस 14 के घर की अभी तक की अपडेट। बाकी की अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।